चलिए अब बात करते हैं वीडियो पार्ट टू में वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये एक चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन हमने पहले देखा था सेज लॉ ऑफ मार्केट। अगर आपने वो पार्ट वन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पार्ट वन देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक दे रखिए, जिससे पार्ट थ्री भी, वीडियो पार्ट थ्री भी अगर बन चुका होगा तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसे हम दूसरे टर्म में या फिर दूसरे नाम से पिगुस वेज कट थियरी भी कहते हैं। पिगुस वेज कट थियरी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसे दूसरे नाम से पिगुस वेज कट थियरी कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि पिगुस वेज कट थियरी क्या कहती है। तो सबसे पहले ये जान ले कि जो पिगुस वेज कट थियरी है उसे प्रोफेसर पिगू ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसे पिगुस वेज कट थियरी कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि पिगुस वेज कट थियरी में आपको अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, आइए सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या है पिगुस वेज कट थियरी में, या फिर बात करें दूसरे नाम की तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पिगुस वेज कट थियरी है आपके, पिगुस वेज कट थियरी वो डेवलप कैसे हुई, सबसे पहले सेंटेंस में हमें दिया गया है। जो सेज लॉ हमने पार्ट वन में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, या फिर जिस पॉइंट पे हमने बात की थी पार्ट वन, सेज लॉ ऑफ मार्केट, वही है यहाँ पे। सेज लॉ ऑफ मार्केट, जो वो सेज लॉ ऑफ मार्केट था, वो मार्केट थियरी की वजह से ये पिगुस वेज कट थियरी डेवलप हो सकी है। मतलब कि प्रोफेसर जो पिगू थे, उन्होंने सेज लॉ ऑफ मार्केट देखा, उसके बारे में समझा, और उसके बारे में समझने के बाद उन्होंने सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर लेबर की एनालिसिस की, और ये पिगुस वेज कट थियरी के बारे में बताया। ठीक है, जो ये पिगुस वेज कट थियरी है वो अप्लाई होती है फ्रीली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट, जो सारे इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उनका मानना है कि जो लेबर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे कहा गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नहीं होने चाहिए कोई भी एम्प्लॉय बेरोजगार नहीं होने का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमिक में। ठीक है, मतलब कि सबके पास कोई ना कोई काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इफ सम वर्कर्स आर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड, कंपेटिटिव फॉर जॉब विल फोर्स वेज डाउन। मतलब कि क्या हुआ, देखिए इकोनॉमिस्ट जो है, सारे के सारे इकोनॉमिस्ट, वो मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब कि कुछ वर्कर है वो फाउंड होते हैं अनएम्प्लॉयड, मतलब कि जिसके पास काम नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी सब कुछ है लेकिन उनके पास जो है वर्क ही नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड अगर
फाउंड होते हैं वर्कर्स, तो क्या होगा, जॉब जो है, जॉब के लिए जो वेजेस है, प्राइस, वेजेस के लिए जो प्राइस है वो डाउन हो जाए। चलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया है, देखिए यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर्स है वर्कर्स, वो एम्प्लॉय इकोनॉमी में उनकी देखिए संख्या देखिए बढ़ चुकी है, मतलब कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयर्स जो वर्कर है बहुत ज्यादा है और उनके लिए जो डिमांड है इकोनॉमी में ये इतनी है, मतलब कि डिमांड कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो वर्कर है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसके पास वर्क ही नहीं है, ठीक है, काम ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अगर ये डिमांड इतनी है तो इतने ही वर्कर को काम मिल सकता है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर के जो वर्कर है ये जो है वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो उनकी समस्या जो हल करने के लिए ये प्रोफेसर पिगू ने जो है ये वेज कट थियरी दे रखी है। वेज कट थियरी में क्या कहा गया है आइए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहले आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद जो है वेज कट थियरी में क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है मार्केट में तो क्या होगा, आपने देखा कि क्या होगा, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेजेस डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमने समझ लिया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि वर्कर्स अगर बढ़ जाते हैं, वर्कर अगर बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमी में वेज जो है डाउन हो जाएगी, क्योंकि वर्कर्स ज्यादा है उसके लिए डिमांड जो है कम है, इसलिए प्राइस जो है वो उनके जो वेजेस है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो वर्कर्स है, वर्कर्स जो इकोनॉमी में सारे के सारे वर्कर्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोअर वेजेस। अगर वर्कर्स जो है वो मान लेते हैं कि हम कम वेजेस में भी काम करेंगे तो ठीक है। तो आगे क्या कहा गया है ये कि अगर एम्प्लॉयर्स वर्कर है वो कम वेजेस लोअर वेजेस के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो मार्केट को और भी एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर वेजेस कम हमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर मालिक को वेजेस कम पे करनी पड़ती है तो वो क्या करेगा, अपने वर्कर्स की जो संख्या है वो बढ़ा देगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स बढ़ते जाएंगे अगर उसे वेजेस कम चुकानी पड़े तो की बात है, ठीक है। लेकिन जो समस्या ये है कि जो इकोनॉमी में लेबर है मतलब कि वर्कर्स है वो कम रेट कम वेजेस पे काम करना स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, थीके? ये बात कर रहे पिगू, अगर मान लेते हैं तो की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या समस्या है, क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने बात की अगर एम्प्लॉयर्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोअर वेजेस तो क्या होगा, मार्केट में नए लेबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दिस मीन्स डेट अगर इसका मतलब होता है, दिस मीन्स डेट इसका मतलब होता है कि लेबर अगर बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके जो अदर फैक्टर है वो एफिशिएंसली काम कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल राइटर्स, लेकिन अगर कुछ लेखक कहते हैं कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने देख लिया है क्या मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, कोई भी वर्कर बिना काम का बैठा हुआ नहीं है, सबके पास अपना अपना वर्क है, अपने अपने वेजेस वो ले सकते हैं, ठीक है, तो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कुछ राइटर्स का ये कहना है कि मार्केट में अगर फ्री इकोनॉमी है, मार्केट में अगर फ्री इकोनॉमी है तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है इस वेज कट थियरी से।
तो मतलब आप समझिए, रिवीजन की बात करते हैं। अब पूरे का पूरा हमने पेज देख लिया है, अब शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात क्या की हमने, जो ये पिगुस वेज कट थियरी है वो डेवलप कैसे हुई, सेज लॉ ऑफ मार्केट की वजह से। पिगू ने ये सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है उसकी थियरी को यूज करते हुए उन्होंने सप्लाई ऑफ और डिमांड फॉर लेबर की थियरी दी, जो वेज कट थियरी के नाम से जानी जाती है। उनका मानना क्या था कि जगर अगर मार्केट में वर्कर फाउंड होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो क्या माना जाएगा कि अगर वर्कर अनएम्प्लॉयड फाउंड होते हैं तो इकोनॉमी में वेजेस जो है वो कम कर देनी चाहिए। ये क्या मानना था, किन का मानना था, पिगू का, प्रोफेसर पिगू ये मानते थे कि अगर फाउंड होते हैं वर्कर अनएम्प्लॉयड तो क्या करना चाहिए, वेजेस को डाउन कर देनी चाहिए। लेकिन अब आगे बात करते हैं कि अगर सारे इकोनॉमिस्ट का मानना था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल राइटर मतलब कि पिगू का मानना था, अगर वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर मार्केट में आप एम्प्लॉयमेंट को वर्कर्स को देखते हैं फाउंड होते हैं अनएम्प्लॉयड का मतलब हमने समझ लिया था, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ, अगर उनके पास इच्छा शक्ति और तैयारी काम करने के लिए है लेकिन उनके पास काम नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयड फाउंड होते हैं तो वेजेस जो है ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेजेस जो है डाउन हो जाएगी, किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होते हैं तो वेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनका मानना था कि अगर वेज फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये जो थियरी है वेज फ्लेक्सिबिलिटी की, अगर वो से यूज किया जाए तो फ्री इकोनॉमी में हम फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं। तो इस पेज में सिर्फ और सिर्फ हमने इतना पढ़ा। अब देखते हैं कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी जो है पिगू, प्रोफेसर पिगू, उनमें क्या क्या बात करते हैं, किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पिगू ने जो वेज फ्लेक्सिबिलिटी थियरी है वो डेवलप की, क्यों की। तो यहाँ पे देखिए, पिगू का मानना है, पिगू हैज ट्राइड, जो पिगू थे वो कहते थे कि जो हमारी इकोनॉमी की वेज थियरी है, वेजेस है, वो रिजिडिटी है। रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, रिजिडिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब कठोर, मतलब कि जो जल्दी बदलता नहीं है। देखिए, पिगू ने क्या कहा कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और वेज फ्लेक्सिबिलिटी का हमने मतलब समझ लिया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होते तो वेजेस क्या होगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड भले ही होते हैं लेकिन जो वर्कर है, एम्प्लॉयर्स है, वो कम वेजेस के लिए तैयार नहीं होते। तो पिगू यहाँ पे कहना चाहते हैं, पिगू हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट इकोनॉमी इज टर्म ऑफ वेज रिजिडिटी। वेज रिजिडिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेज रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, कठोर, जो वेज हमारी वेजेस है वो बहुत ही कठोर है, जल्दी नहीं बदलती है। ठीक है, वेजेस जो है मतलब कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पिगू कहते हैं कि वेजेस डाउन कर देनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो मानते नहीं है वेजेस डाउन करने के लिए, मतलब कि कम वेजेस पे काम करने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो ये जो है प्रॉब्लम वेज कट थियरी में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मुख्य जो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुख्य कारण है वो पहले तो वर्कर है,
वर्कर क्यों? क्योंकि वो कम वेजेस जो लोअर वेजेस है वो लेने के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरा एक कारण है गवर्नमेंट। दूसरा एक कारण क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ कानून होते हैं कि कुछ कम वेजेस नहीं पे कर सकते, कुछ टाइमिंग लिमिट होती है। इसलिए दो कारण यहाँ पे पिगू बताते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? वर्कर्स। और दूसरा कारण है गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। मतलब आप समझिए, पिगू यहाँ पे देखिए, उनका मानना था, पिगू ये कहना चाहते थे कि अगर इकोनॉमी मार्केट में अगर मंदी है तो आप वेज कट थियरी को यूज कीजिए। वेज कट थियरी को यूज करते हुए जो एम्प्लॉयर्स की वेजेस है, वेजेस को थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब कि कम करने से क्या होगा कि आपकी जो जो मालिक है कंपनी के, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मंदी की वजह से पहले से ही कम हो चुकी होती है। ठीक है, मंदी में प्रॉफिट जो है उनका बहुत ही कम हो चुका होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो है एफर्ट नहीं कर पाते हैं इतने सारे वर्कर्स को, और उसके परिणाम पे वो क्या करते हैं, कुछ वर्कर को कंपनी से अलग कर देते हैं। मतलब कि छोड़ देते हैं कि अभी उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पिगू क्या कहते हैं, प्रोफेसर पिगू कहते हैं कि कोई भी वर्कर को आप कंपनी से अलग मत कीजिए, उल्टा आप यूं कीजिए कि सबकी जो वेजेस है उसे थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। सारे वर्कर्स को इनकम भी मिलती रहेगी और सारे वर्कर्स का जो रोजी जीवन है वो चलता रहेगा। तो प्रोफेसर पिगू का मानना यही था। तो इस तरीके से वेज कट थियरी को यूज करने के लिए प्रोफेसर पिगू जो है वो प्रिफर करते थे। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया है, देखिए हमने ये जो है वो बात की है अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पिगू आगे क्या कहते हैं कि जो मार्केट में अगर मान लीजिए आप मंदी है और कंपनी में से कुछ वर्कर को अलग कर दिया गया है, अभी कुछ समय के लिए उन्हें नौकरी पे से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि उनकी जो इनकम है वो तो रुक गई, इसलिए मंदी की जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी के पास इनकम नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उधार लेगा या फिर कुछ भी करेगा, लेकिन वो मंदी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन पिगू क्या कहते हैं कि वेज कट थियरी यूज कीजिए और सबकी इनकम को थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन कंपनी में से निकाल मत दीजिए, सबकी इनकम को थोड़ा कम करके सबको इनकम मिले वैसा कीजिए। तो सबको इनकम मिलेगी तो क्या होगा कि वो थोड़ी थोड़ी इनकम जो है कंजप्शन लेवल कंजप्शन जो है उनकी वो थोड़ी कम कर देंगे, लेकिन जितनी इनकम है उनमें से वो अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है इकोनॉमी का लेवल अच्छा होता जाएगा और जो है फिर से मार्केट में तेजी आने लगेगी। ठीक है, तो पिगू ये कहना चाहते थे वेज कट थियरी की वजह से। तो यहाँ पे एक और दो नाम दिए गए हैं, पिगू जो वेज कट थियरी है उन्हें यहाँ पे दो नाम दिए गए कि ये दो नाम भी पिगूस वेज कट थियरी को कहलाता है। पिगूस वेज कट थियरी को एक नाम तो यहाँ पे देखिए पिगूस इफेक्ट कहा जाता है, इस वेज कट थियरी को पिगूस इफेक्ट कहा जाता है यहाँ पे, और दूसरा नाम जो है रियल कैश बैलेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। मतलब कि एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन पिगूस इफेक्ट, एक्सप्लेन रियल कैश बैलेंस इफेक्ट, तो आपको ये जो है आंसर लिखना है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है वेज कट थियरी, तो आपको कौन से पॉइंट जो है वो बहुत ही मेनली ध्यान में रखने हैं कि वो पॉइंट्स तो आपको एग्जाम में आंसर में लिख के ही आने हैं। ठीक है, तो वो अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वेज कट थियरी आपको एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है वो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जिसे मैंने रिवीजन के तहत पे भी आपको समझा दिया है कि किस तरीके से क्या लिखना है। डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, पिगू ने जो लेबर के बारे में जो थियरी दी है सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर लेबर वो लिखना है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि वेज रिजिडिटी वाला जो सेंटेंस है वो लिखना है, और उसके बाद जो वो कहते हैं ये सेंटेंस उसके बारे में लिखना है। जो मैं समझा चुका हूँ कि वेज, अगर वेज कट थियरी यूज करते हैं तो कैसे किस तरीके से मार्केट जो है मंदी में से तेजी की तरफ जाने लगता है, वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो पॉइंट है वो लिखना है कि जो वेज कट थियरी वो किन दो नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पे जनरली क्या बात की गई है वो। ठीक है, तो इतना है वेज कट थियरी में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आप स्मार्ट स्टूडेंट है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक के बारे में मुझे आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं।